तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको टिश्यू सिस्टम थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना, ग्राउंड और फंडामेंटल, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड लास्ट वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, व्हाट इज द वर्क, ठीक है। सो ग्राउंड मींस हिंदी में कहते हैं भरण ऊतक, ध्यान दीजिएगा, भरण ऊतक का मतलब ऐसे टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी इनका मेन रोल क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, फिगर्स में आपको बताऊं, जैसे ये किसी प्लांट का अगर मान लो आप ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो ये जो आउटर मैं सेल बना रहा हूं, ये आउटर सेल जो होगा, ये आउटर सेल को बोलेंगे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सिस्टम। और सेंटर वाले सेल्स को बनाऊं, इसे कह सकते हो आप वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और ये बीच वाले जो सेल्स बच रहे हैं यहां से लेकर के यहां, इसे क्या बोल सकते हो आप, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। यानी ध्यान दीजिएगा, जो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है ना, कहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, सो जस्ट बिलो द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या कर सकते हो, जस्ट बिलो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जस्ट बिलो किसके होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से होकर के कहां तक पाया जाता है, ठीक है ना, टू पेरिसाइकल, पूरे पेरिसाइकल तक का जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे आपका फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है, फिगर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बनाया था, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिगर बनाना। देखिए यहाँ पर कैसे फिगर बनाएंगे, बहुत ही आसान फिगर है, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, that is lateral roots, what called lateral roots, इसको ऐसे पैक कर दिया हमने, पैक कर दिया, so that is called epidermal tissue system, epidermal tissue system, that is root hairs, what called root hairs, ठीक है। अब epidermal tissue system के just यहाँ center पे चले आओ, ठीक है, तो center पे देखते हैं, तो सेंटर पे आपको फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, कलर की तरफ मेरे ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटर, ठीक है, ऐसे कवर कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, व्हाट कॉल्ड, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे दैट इज पेरिसाइकल, व्हाट कॉल्ड, पेरिसाइकल, ठीक है ना, and just below the pericycle, suppose that is phloem, that is phloem, suppose that is cambium ring, the cambium, what called, cambium, and after that suppose that is gelatin, and last part that is, ठीक है ना, बात समझिए,
अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को मानूं तो ये कैसा सर्कल बनेगा, बहुत बड़ा, समझना। लेकिन हम क्या है, इसका एक छोटा सा रेडियाई लेकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाले सेल्स, तो बीच वाले सेल्स में आपको कुछ ऐसे सेल्स बना देने हैं, ऐसे सेल्स, ठीक है। तो सपोज दैट सेल को हमने नाम दिया हाइपोडर्मिस, व्हाट कॉल्ड हाइपोडर्मिस, ठीक है। और बीच में और भी सेल्स बना डालेंगे, ठीक है। सो दैट सेल इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स, व्हाट कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स। तो ये हमने दोस्त पूरा टोटल फिगर बना लिया, ठीक है। आइए देखते हैं, तो सिंपली ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, व्हाट कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है ना। सेकेंड दैट इज पेरिसाइकल, एंड थर्ड दैट इज पिथ। तो स्पेशली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगेन कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, अगेन कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ठीक है ना। कौन कौन सा, सो फर्स्ट हाइपोडर्मिस, व्हाट कॉल्ड हाइपोडर्मिस, ठीक है। सेकेंड जनरल कॉर्टेक्स, व्हाट कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स, एंड थर्ड पिथ, सॉरी जनरल कॉर्टेक्स एंड थर्ड एंडोडर्मिस, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉर्टेक्स अगेन डिवाइडेड थ्री पार्ट्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस, जरा ध्यान दीजिएगा हाइपोडर्मिस, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस, सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस सेल्स, व्हाट कॉल्ड हाइपोडर्मिस सेल्स, ठीक है। तो सिंपली हाइपोडर्मिस सेल्स की अगर हम बात करें तो जस्ट बिलो द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कहां होगा ये, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ठीक नीचे होगा, ठीक है ना, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं वर्क क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये मजबूती देता है, क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये क्या करेगा, मजबूती देने का काम करेगा, कौन, हाइपोडर्मिस। और सिंपली हाइपोडर्मिस की आप बात करते हो, सो सिंपली हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम कोलेन काइना से बने, इन डाइकोट स्टेम फॉर्म्ड बाय कोलेन काइनेटस सेल्स, किससे मिलकर बने होते हैं, डाइकोट स्टेम में कोलेन काइनेटस सेल से मिलकर बने, ठीक है। बल्कि जबकि वाइल ऑन द अदर हैंड इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम मेड बाय स्क्लेरल काइमा, मेड बाय स्क्लेरल काइमा, तो जरा ध्यान दीजिएगा हाइपोडर्मिस, ठीक है ना, इन मोनोकॉट स्टेम फॉर्म बाय स्क्लेरल काइनेटस सेल्स, इन डाइकॉट स्टेम फॉर्म बाय कोलेन काइनेटस सेल्स। और जनरल इसका काम क्या हुआ, जनरल वर्क इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथनिंग, क्या देगा ये, मजबूती देने का काम करेगा, व्हाट कैन हाइपोडर्मिस, हाइपो मींस जस्ट बिलो एंड डर्मिस मींस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी द टिश्यू व्हिच लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, व्हाट कॉल्ड हाइपोडर्मिस, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं, सो जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस रीजन सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स। सो जनरल कॉर्टेक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी कि यू कैन से फूड मटेरियल, व्हाट कॉल्ड फूड मटेरियल, यानी किसके लिए जाना जाएगा, हाइपोडर्मिस रीजन, सॉरी
जो जनरल कॉर्टेक्स होगा ये किसके लिए जाना जाएगा, स्पेशली ये जाना जाएगा फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनेगा लीफ तक, वो ला करके इस रीजन में स्टोर कर दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज दीस सेल्स हैविंग अ लार्ज वैक्यूल्स। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल्स दैट सेल्स आर कमिटेड फॉर द स्टोरेज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च। समझना दोस्तों, इस सेल्स में यानी जनरल कॉर्टेक्स रीजन में ढेर सारा क्या होगा बोलिए, ढेर सारा लार्ज साइज के वैक्यूल्स होंगे, जिससे क्या होंगे ये खाने को स्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या जाना, स्पेशली जो जनरल कॉर्टेक्स होगा ये खाने को स्टोर करने का काम करेगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, रीजन इज एंडोडर्मिस। व्हाट कॉल्ड? एंडोडर्मिस, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एंडोडर्मिस की बात की जाए, सो सिंपली जरा वर्ड में देखिए, एंडो मींस इंटरनल, डर्मा मींस स्किन, यानी कि इंटरनल स्किन, एंडो मींस एंडो, डर्मिस एंडो मींस इंटरनल, एंडो मींस इंटरनल, एंडर्मा मींस स्किन, इंटरनल स्किन, ओके ना। मेड बाय, तो सिंपली एंडोडर्मिस आर मेड बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, मेड बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू, किससे मिलकर बना होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर। नेक्स्ट, स्पेशली एंडोडर्मिस में ये जो रीजन है इंटरनल एंड रेडियल, ये पूरा रीजन देखिएगा, इंटरनल एंड रेडियल, इंटरनल एंड रेडियल, ये पूरा रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस रीजन हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, व्हाट कॉल्ड? कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या बोलते हैं इसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। जो स्पेशली क्या होता है, वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। ये एक तरह से टाइट जंक्शंस होते हैं जिससे वाटर लॉस क्या हो सकता है, आपका सिंपली वाटर लॉस यहां से रुक सकता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एंडोडर्मिस रीजन वर्क एज अ वाटर टाइट डैम एंड एयर टाइट डैम। वर्ड पे ध्यान दीजिए, वाटर टाइट डैम एंड एयर टाइट डैम, यानी कि ये एंडोडर्मिस रीजन जो है ये कैसे बिहेव करता है, एक्ट लाइक द वाटर टाइट डैम एंड एयर टाइट डैम। यानी ध्यान दीजिए, यहां पे जाइलम वाटर जरूरी होगा, तो वाटर लॉस को बाहर जाने से रोकेगा, मतलब बाहर पानी नहीं जाने देगा, इसलिए देखो वर्ड पे ध्यान, वाटर टाइट डैम, यानी यहां से पानी को ना तो बाहर जाने देगा, एयर टाइट डैम यानी एंडोडर्मिस ना तो एयर को अंदर आने देगा, मेरी बात क्लियर है। सो एंडोडर्मिस एक्ट लाइक द वाटर टाइट, डैम एंड एयर टाइट डैम, ठीक है दोस्त। इस तरह से मैंने आपको क्या बता दिया, एंडोडर्मिस का फंक्शन। तो यहां पर एंडोडर्मिस के फंक्शन क्या क्या हुए, एंडोडर्मिस का पहला फंक्शन वाटर टाइट डैम एंड एयर टाइट डैम, मेड बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथनिंग, थोड़ा वो क्या है मजबूती देने का भी काम करता है, एंड सेपरेट इंटरनल स्ट्रक्चर टू आउटर स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को आउटर स्ट्रक्चर से क्या है अलग करने का काम करता है। तो हमने क्या जान लिया आपका, हमने जान लिया एंडोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरिसाइकल, व्हाट कॉल्ड? पेरिसाइकल, ठीक है। तो जरा पेरिसाइकल का पोजीशन देखिए, पेरिसाइकल इज जस्ट बिलो द, एंडोडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू, जरा ध्यान दीजिएगा, वैस्कुलर टिश्यू और एंडोडर्मिस के बीच का जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल, व्हाट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो पेरिसाइकल्स हैं, ठीक है ना, ये स्पेशली पैरेन्काइमेटस इन रूट्स, रूट्स में किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स के, और स्पेशली स्टेम्स में जो है ये स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा के बने होंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पेरिसाइकल की बात करते हैं तो रूट में किससे मिलकर बनते हैं,
स्पेशली रूप में ये मिलकर बने होंगे आपके पैरेंट काइमा सेल्स से, ठीक है ना। और स्टेम में ये मिलकर बने होंगे स्क्लेरेंट काइमा या पैरेंट काइमा टिश्यू से मिलकर बने होंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली पेरिसाइकल का वर्क क्या है। तो पेरिसाइकल सेल्स जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ये किसका होता है, जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। अगर मैं इसको यूज कर दूं जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने प्रोटोजाइलम, तो पेरिसाइकल क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। एंड कंसिडर्ड एज सीट फॉर ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स, और ये एक ऐसा रीजन है यहीं से लैटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। आपके समझ में, तो यहीं से जो लैटरल रूट्स होंगे वो कहां से ओरिजिनेट होंगे, अरे भाई लैटरल रूट्स ऐसे समझो, ये मैंने स्टेम बनाया, स्टेम में क्या होते हैं आपके रूट, ये सीधे होते हैं ना साइड बाई साइड से, मान लो इसे मैंने मान लिया टैप रूट, क्या माना टैप रूट, और इसे मान लिया मैंने लैटरल रूट। तो दोस्त समझिएगा ये जो पेरिसाइकल है वो लैटरल रूट्स के भी फॉर्मेशन में आपकी प्लांट्स की मदद करता है। इन डाइकोट रूट पेरिसाइकल फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैंबियम और होल ऑफ कॉर्क कैंबियम, और सिंपली जो डाइकोट रूट्स होंगे उनमें पेरिसाइकल किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैंबियम, यानी कि ये कैंबियम का फॉर्मेशन करेगा। कैंबियम, कैंबियम मींस सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होने वाला, यानी कि प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने वाला वो पार्ट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैंबियम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या जान लिया, स्पेशली पेरिसाइकल जान लिया। पेरिसाइकल के बाद लास्ट हेडिंग आपको पढ़ना है पिच, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा पिच की बात अगर हम करते हैं तो पिच जो है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में इनका पोजीशन कैसा होता है, सेंट्रली लोकेटेड, कैसे होते हैं ये, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, यानी ये सेंटर में पाए जाएंगे, मतलब इसको मैं मान लूं कि ये वैस्कुलर बंडल है तो पिच कहां पाया जाएगा, बिल्कुल भी सेंटर में पाया जाएगा, किसमें, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट्स में। पिच का पोजीशन कहां होगा, ये स्पेशली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अगली बात मैं आपको बताऊं तो स्पेशली ये किससे मिलकर बने होते हैं, पैरेंट काइमेटस टिश्यूज, पिच जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, पैरेंट काइमेटस टिश्यूज, यानी कि यहां पर ढेर सारे क्या पाए जाएंगे, पैरेंट काइमा सेल्स पाए जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली डाइकॉट स्टेम में पिच सेल्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल बिकम रेडियली इलॉन्गेटेड, स्पेशली जो डाइकॉट रूट है इसमें डाइकॉट रूट है उसमें जो पिच सेल्स होंगे वो आपके मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे आप इसे मैं मान लूं वैस्कुलर बंडल, ठीक है, और स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं, ठीक है, ऐसे दिखा दिया, यहां मैंने छोटे छोटे क्या बना दिया, कैंबियम स्ट्रिप बना दिया, बनाया ना कैंबियम स्ट्रिप बनाया, जाइलम फ्लोएम मान लिया, और ये बीच वाला रीजन मान लो ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं इसे तुम मान लो क्या है, बोलो ये पिच है, तो पिच देख रहे हो बीच बीच में क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच एंटर किया हुआ है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी मेड्यूलरी रेस, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेड्यूलरी रेस या पिच रेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच रेस भी बोलते हैं, समझ में आया, जाइलम और फ्लोएम के बीच ये पिच जो है कुछ कुछ क्या है, अंदर की तरफ इंबेडेड है, फंसा हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिच रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच रेस बोलते हैं, और स्पेशली याद रखिएगा हेल्प इन लैटरल ट्रांसलोकेशन, यहां पर पिच का क्या काम होगा, हेल्प इन लैटरल ट्रांसलोकेशन, तो पिच क्या कर रहा है यहां पर, लैटरल ट्रांसलोकेशन में इनकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ लिया वैस्कुलर, सॉरी ग्राउंड टिश्यूज, ओके, ठीक, बाय।